17.4 कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3×10H2O है। आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 सॉलिड प्लस 10H2O लिक्विड इज इक्वल टू Na2CO3×10H2O सॉलिड। क्या आप बता सकते हैं कि 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह Na2CO3 को आद्र गीला बनाता है? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के प्रत्येक अणु के साथ जल के 10 अणु होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विलयन के रूप में होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें जल के अणु मुक्त नहीं होते हैं। किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफ़ेद रंग का चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुल्लन इफोरेसेंस कहते हैं। Na2CO3×10H2O सॉलिड खुला रखने पर Na2CO3×H2O सॉलिड प्लस 9H2O। 17.4.1 उपयोग, यूसेज। पहला, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में होता है। तीसरा, जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 17.5 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4×12H2O या CaSO4×H2O होता है। इसे जिप्सम CaSO4×2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर बनाया जाता है। CaSO4×2H2O जिप्सम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CaSO4×12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। CaSO4×12H2O प्लस 1.5H2O इज इक्वल टू CaSO4×2H2O। 17.5.1 उपयोग, यूसेज। पहला, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। दूसरा, मूर्तियां और खिलौने बनाने में। तीसरा, सांचे और मॉडल बनाने में। चौथा, चौक बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को नदी और तालाब में विसर्जित करने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा करें कि ये किस प्रकार से नदी और तालाब को प्रदूषित करते हैं। आजकल इसी प्रदूषण को कम करने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।